और अभी हम यहाँ पे पहुंचे और जगह देख लो कितनी खूबसूरत है यहाँ की जगह। और अगर सच बात बताई जाए तो हमारे पुंछ में ऐसी जगह भी कोई नहीं है। गाय ने बोला हाँ सच बोल रहा है साजिद। और अभी हमने एक डाकू पकड़ा हुआ है, ये गाड़ी की डिक्की में डाला हुआ है हमने पकड़ के, और मैं जा रहा हूँ इसके अंदर घुसेंगे, देखेंगे कैसा है इसका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज अभी हमने खाना वगैरह खा के जा रहे हैं गूगल ढारा, एक जगह यहीं पास में। तो अभी रेडी हो चुका हूँ मैं और घर से निकल रहे हैं, मिलता हूँ गाड़ी में। तो गाड़ी में पहुँच गया हूँ मैं, रात को गाड़ी यहीं पे लगाई थी मैंने। पहले गाड़ी को निकालते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जिस जगह हम जा रहे हैं उसको बोलते हैं जी जगह बोलते हैं गूगल ढारा। पहली बार मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे, आपको भी दिखाएंगे जगह कैसी है। लेकिन चाहे हम घर से आएं या यहाँ से नीचे तक जाएं, सबसे पहले हमें हर दिन ऐसी रोड मिलती है। ये हमारे मंडी जितना है, हमारे मंडी और यहाँ की एक ही जैसी पब्लिक है ना, ये रोड से साइड होते हैं ना हमारे मंडी वाले। ये रास्ता जाता है गूगल ढारा की तरफ और वहीं पे हम जा रहे हैं, अब जाके पता चलेगा जगह कैसी है। वैसे बोल तो रहे हैं कि अच्छी जगह है लेकिन पता नहीं हमें, क्योंकि पहली बार मैं भी जा रहा हूँ और जो मेरे साथ हैं अभी ये सभी जा रहे हैं। देखा ये आगे, ये भी गया हुआ था, अभी वापस आया। कश्मीर में आप कहीं भी चले जाओ आपको एक से एक पार्क, यहाँ से तो देखने में जगह बहुत ही अच्छी है। अच्छी जगह है, साइडों पे आप देख सकते हो जगह भी बहुत खूबसूरत है और मकान भी यहाँ के, तो लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है यहाँ की। और मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी जगह होगी, नहीं तो हम पहले भी कहीं आए होते। पहले हमारा प्लान था दूध पत्थरी जाने का, वहाँ पे तो नहीं हम गए क्योंकि वहाँ पे सुबह जाएंगे, फिर हमने सोचा चलो आज यहीं पे चलते हैं आपको दिखाते हैं। और यहाँ से ऊपर जाता है एक रास्ता और यहीं से जाते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। रोड भी सही है और जगह भी बहुत ही अच्छी है, लोकेशन तो बहुत जबरदस्त है, साइडों पे पेड़ हैं, बीच में गाड़ी चल रही है तो बहुत मजा आ रहा है आज। थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन मजा बहुत आ रहा है, रोड ठीक है तो फिर तो चढ़ाई जितनी मर्जी हो भाई, इंसान को टेंशन नहीं होती। साइडों से दरिया बह रहा है वो तो बहुत ही मतलब खूबसूरती देता है ना इस जगह को। फिर
ज्यादा यहाँ पे कि लोग अब आ रहे हैं क्योंकि रोड सही है तो लोगों का तो आना लगा रहेगा। हम मतलब किस साइड जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी जगह है। पहले यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ मैं, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ से कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। इस साइड पे देखो ऊपर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो वापसी पे हम उधर भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। यहाँ से आगे तो बहुत ही अच्छी जगह है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम भी, देखते हैं कैसा हमारा ये आज का टूर रहेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त है जो, और देखा लोग कितने यहाँ पे आ रहे हैं। ऊपर वाली साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा ही रश पड़ा हुआ है, एक वाटरफॉल जैसा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो पानी की लाइन है वो टूटी हुई है, तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हम गाड़ी यहाँ पे नीचे उतारते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है। पीछे की लोकेशन देख रहे हो आप कितनी अच्छी है यहाँ की। इस साइड भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ही मस्त जगह है और है भी बहुत ही प्यारी। पीछे देखो, मतलब मुझे नहीं ऐसे लग रहा था कि ऐसी जगह होगी, तो हमें बोलने लगे कि जगह अच्छी है तो हम भी आए। पहले हमने क्रोम पे सर्च लगाया कि जगह है अभी अच्छी या नहीं, तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं। और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। इस साइड पर अगर देखो तो बहुत ही, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है तो बहुत ही अच्छी जगह है। ऊपर जा रहे हैं हम भी, वहाँ पे एक वाटरफॉल सा बना हुआ है पानी का, वाटरफॉल नहीं मैं सॉरी फवारे जैसा बना हुआ है, पाइप टूटी हुई है तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे। कश्मीर में आप कहीं भी चले जाओ आपको एक से एक बढ़ के जगह मिलेगी। बाकी देखा आपदा और मोमिन आगे जा रहे हैं, ये तीनों आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैं। ये देखा एक फवारा सा बना हुआ और जगह देखो ये बना हुआ पाइप का, बहुत ही मस्त व्यू दे रहा है ये भी। और हाइट देख सकते हो आप कितनी हाइट होगी इसकी। एक सिर्फ पाइप टूटी हुई है यहाँ से, ये वाली पाइप लाइन टूटी हुई है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है ये भी। और देखा ये रेनबो बन गई इसकी, और मैं जा रहा हूँ इसके अंदर घुसेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा इसका मजा। अंदर घुसा हूँ मैं और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। देखा यहाँ पे मुझे तो बहुत ही अच्छी जगह लगी है। बाकी पहले मैं अपना मुंह साफ कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं उस तरफ, वहां से भी आपको दिखाएंगे। और नीचे देखा बच्चों के पानी में शोर चल रहा है, वो मजे कर रहे हैं यहाँ पे। और कैंपिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह ये, यहाँ पे अगर आप ऊपर तक देखोगे तो बहुत ही अच्छी जगह ये, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे इंसान कैंपिंग करे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर हम ज़्यादा नहीं रुकते तो यहाँ पे कैंपिंग ज़रूर करते एक दिन। अब हम यहाँ से जाएंगे वापस, यहाँ पे हमने थोड़ा देख लिया है तो आपको भी दिखाया, तो आगे भी बहुत अच्छी जगह है तो वहाँ पे जाएंगे। फिर वापसी पे थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कोई बहुत ही अच्छी जगह है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा यहाँ का और भी आपको दिखाते हैं, फिर निकलते हैं जाते हैं आगे तक। तो वापसी भी हमने घर भी अभी जाना है, तो मिलते हैं आपसे रास्ते में दोबारा। फिर यहाँ पे लगभग 2-3 स्कूल आए हुए थे पिकनिक के लिए, जगह ये ऐसी है कि यहाँ के नज़दीक है तो स्कूल आएँगे यहाँ पर। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ा देखते हैं आगे भी कैसी जगह है।
नीचे गाड़ी भी लेके जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे पहले, आगे से वापस आएंगे फिर दिखाएंगे आपको इधर नीचे भी। इतनी अच्छी जगह के मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो गए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बातें कर लेता हूँ, लेकिन मतलब ऐसी जगह पे आके ना इंसान का मन ही नहीं करता कि कोई फालतू बात करे या कुछ करे। जगह तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी है। इंशाल्लाह जब थोड़े से हमारा चैनल ग्रो करेगा तो हम ऑल जे एंड के टूर करेंगे, तो फिर तो आपको पता ही है पूरा जे एंड के कितना खूबसूरत है। अभी तो ये मतलब सिर्फ लास्ट की एक जगह बची डिस्ट्रिक्ट है, इसके आगे फिर आप पूंछ पड़ता है। मन ही नहीं कर रहा कि मैं गाड़ी को कहीं रोकूं। और जैसे जैसे इंसान बढ़ रहा है आगे आगे, तो इंसान सोच रहा है कि इससे भी आगे चलें, इससे भी आगे चलें, इतनी अच्छी जगह। अब हमने थोड़ा डिसाइड किया कि थोड़ी आगे तक जाएंगे फिर वापस यहाँ से जाएंगे घर, लेकिन मन ही नहीं करता कि वापस जाएं। मैं आपको दिखाऊंगा नीचे वाला पूरा जो एरिया भी है, मतलब यहाँ से आगे रोड खराब है, नहीं तो यहाँ से आगे भी जाते तो पता चलता कि कैसी जगह। थोड़ा ऊपर जाता हूँ फिर वहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है, आगे की जगह देखो आप कितनी ही ब्यूटीफुल है। इस साइड पे अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ तो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है आगे का। अब हम चलते हैं यहाँ से वापस। आगे भी जाती ना थोड़ी रोड ठीक होती तो आगे भी जाते, फिर आपको दिखाते वहाँ से भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए। और जगह देखो आप कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। मेरा तो आज दिल ही खुश हो गया। नीचे भी फोटोशूट चल रहे हैं आप भी जाके, इंशाल्लाह अगर आगे कभी आने का मौका मिला तो ये सब आपके हाथों में, अगर आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह ऑल जे एंड के टूर होगा। मैं और वासित भाई आएंगे, और पीछे देखा अभी बर्फ़ भी नज़र आ रही है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखा बर्फ़ भी नज़र आ रही है आपको, और यही है सर जमिया वाली गली जिसको बोलते हैं, उस साइड से हमें भी नज़र आती है और इस साइड से देखा ये, और पुंछ और बडगांव में कितना फासला सब बस एक इतने एरिया का। तो जब मतलब यहाँ से रोड निकलेगी तो फिर तो हमें बहुत इजी हो जाएगा कश्मीर आना। और अभी हमने एक डाकू पकड़ा हुआ है, ये गाड़ी की डिक्की में डाला हुआ है हमने पकड़ के। अभी हम वापिस आ गए वहाँ से, और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी सर्दी भी है ना तो गर्मी है। अगर यहाँ पे इंसान कैंपिंग करे इस जगह पे, लगभग मैं कहता हूँ अगर इंसान एक साल भी घर ना जाए ना तो वो बोर नहीं होगा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें जाना पड़ता है। कुछ भी क्या करें भी, यहाँ पे हम रह तो नहीं सकते ना। अगर हमारा घर हो यहाँ पे तो फिर तो हम
डेली यहाँ पे ही रहेंगे ना, और आगे की देखो कैसी जगह है। यहाँ के घर हर चीज ही बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे अभी देखा ये घास जो हमारे पुंछ में लगभग 1.5 महीना हो गया काट के अपने माल मवेशी को डाल भी दिया है। अभी देखो यहाँ पे कितना छोटा छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है इसलिए हर चीज थोड़ी लेट होती है यहाँ पे। और हम वहां से वापिस आ गए थे, हम आपको दिखा नहीं पाए इसलिए सॉरी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर तक, यहाँ भी आपको जगह दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे भी। तो हमने सोचा खाली बैठने से बेहतर है कहीं जाते हैं, देखते हैं थोड़ा। तो यही 2-3 दिन हम यहाँ पे रहेंगे तो आपको दिखाएंगे। और जगह देखो यहाँ से बहुत ही प्यारी जगह है, कश्मीर पूरा नजर आता है यहाँ से नीचे। गाय ने बोला हाँ, सच बोल रहा है साजिद। और बहुत ज्यादा गायें यहाँ पे, मतलब खुली जगह यहाँ पे आराम से घास वगैरह, पीछे हरियाली हरियाली नजर आएगी आपको। और ये एक बंदे की नहीं है, ये लोगों की होती हैं, ये चराते हैं इनको और शाम को वापस हर किसी के घर 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 छोड़ देंगे ये। और अब यहाँ से पिएंगे हम पानी, क्योंकि तो बहुत ही ठंडा पानी है ये। देखा यहाँ पे हर जगह आपको पानी मिल जाएगा। और ये इतना ठंडा कि मेरे हाथ ठंडे हो गए, और है भी बहुत ही मीठा और ठंडा। और अभी हम यहाँ पे पहुंचे और जगह देख लो कितनी खूबसूरत है यहाँ की जगह। अगर लोग मतलब आते हैं हमारे पूंछ की और कहते हैं कि जी जब भी है जी गुलमर्ग जैसा, लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी बिल्कुल ऐसी जगह है जैसी यहाँ पे है, फिर गुलमर्ग का तो क्या ही कहने। यहाँ से पूरा कश्मीर नजर आएगा आपको, क्योंकि ये जगह थोड़ी साइड पे है तो पूरा ही कश्मीर नजर आता है यहाँ से। इस साइड पे देखो पीछे जंगल है, इसके पीछे तोशी मैदान आ गया, इसके पीछे ही हो गया। और जगह बहुत खूबसूरत है यहाँ की, हमारे पुंछ में ऐसी जगह कोई नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोले तो कौवा काटे, इसलिए मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे पुंछ में ऐसी जगह नहीं है। हमारे साथ तो उस्मान भी है, उस्मान जमीन पे आ गए और ये हमारे साथ घूम रहे। शर्मा आ गया, उस्मान शर्मा चुका है। और ये पानी है जी, ये जा रहा था नीचे, हम इसको ढूंढ रहे थे कि इसका एंड कहाँ पे होगा, और यहाँ से निकल रहा है ये, यहाँ से नीचे जाता है पूरा बह के ये आगे भी है। अभी देखना यहाँ से जमीन में चला जाता है ये, यहाँ से फिर यहाँ से जमीन में चला जाता है, फिर जाके नीचे से निकलता है। मजेदार लग रहा है, मतलब क्या ही जगह है यहाँ की। तो ऊपर तक जा रहे हैं हम, तो आपको भी दिखाते रहेंगे साथ साथ में। और यहाँ पे हम आए थे, पहले हम गए हुए थे गूगल डार, क्या नाम बोलते उसको, गूगल डारा बोल गया तो मैं बार बार उसका नाम ही। तो फिर हम वहां से वापस आए घर, थोड़ी देर हमने आराम किया, फिर यहाँ पे हमने सोचा चलो ये भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हम बोला होगा इस जगह को बोलते हैं कट्ठा, हाँ अभी बता रहा हूँ ना मैं, और इस जगह को बोलते हैं कट्ठा। और सामने आपको देख आप नजर आ रहा होगा आपको, और पीछे जो पहाड़ी सी नजर आ रही है, इस यहाँ पे है अरजाल, और इसके इस तरफ थोड़ा इधर कीजिए आप, हाँ जो सामने पेड़ है इसके पीछे जो आपको लास्ट एरिया नज़र आ रहा है वो है खान साहिब। और खान साहिब के थोड़ा सा ऊपर चढ़ के यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, वहीं पे आती है क्या बोलते हैं इसको, दूध पथरी। और यहाँ से सीधा आगे नीचे यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पे धुंध आपको दिखाई दे रही है। और ये रहा पीछे जंगल, ये पीछे आप देख सकते हैं ये जंगल है, यहाँ से चढ़ के एक रास्ता जाता है ऊपर, वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं तोसा मैदान, और वहीं से आगे चल के तकरीबन मुझे लगता है 4 या 5 घंटे लगते हैं, वहाँ से आगे आता है जी पुंछ। पैदल जाते समय यहाँ से तो सुनता था गाड़ी आती है, वहाँ से आगे पैदल जाना पड़ता है। और ये था जी आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।